दोस्तों, ये जो आप क्रूटॉन का प्लांट देख रहे हैं, देखने में देखिए कितना शानदार नज़र आ रहा है। आपके गार्डन में ये चार चांद लगा देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी ये प्लांट लाते हैं, 10 दिन 15 दिन महीना दिन चलने के बाद, कभी कभी 5-5 6-6 महीने का चलने के बाद गर्मियाँ आती हैं, उस समय ये मर जाता है। इसके पत्ते लटकने लगते हैं, लटकने के बाद वो चाहे कुछ भी उपाय लगाता है, फिर उसका ये मतलब प्लांट है उसे पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है हमारे प्लांट के साथ। तो इसका जो सबसे मतलब मेन प्रॉब्लम है वो है इसकी रेड सॉयल। जब भी हम गार्डन से कोई प्लांट लाते हैं तो उसमें लाल मिट्टी होती है, और लाल मिट्टी होने के चलते हम इससे क्या करते हैं, शुरू शुरू में पानी देते हैं, चलते रहता है, क्योंकि जो नर्सरी में जो पानी डालते हैं वो सुबह शाम डालते हैं, और रेगुलर वाटरिंग के चलते इसकी मिट्टी टाइट नहीं होती है। लेकिन जब हमारे यहाँ आता है, कभी हम सुबह सुबह डालते हैं, शाम को नहीं डालते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि हम काम में व्यस्त होने के चलते इसे डालते पानी डालना भी कभी कभार भूल जाते, फिर ये धीरे धीरे ये मिट्टी क्या पत्थर के जैसा ये टाइट होने लगता है। मिट्टी पूरा क्या होता है, जड़ों को बांध देता है, और फिर ये प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है। अब इसमें इसका उपाय क्या है, आप अगर मिट्टी चेंज करते हैं तो कितने बार प्लांटिंग ये प्लांट ये शॉक लगने के चलते ये डेड हो जाता है, मर जाता है, लोगों के पत्ते लटक जाते हैं, फिर वो उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट उपाय है, ये मिट्टी है, ये जो आप मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, उसको लाल मिट्टी को आप ऊपर से हटाएं पूरी तरह से, जब तक इसके हल्के हल्के रूट नजर ना आने लग जाए। जैसे ही इसके हल्के हल्के रूट नजर आने लग जाए फिर उसकी गुड़ाई को बंद कीजिए। आप ऊपर से वो जितनी भी मिट्टी की गुड़ाई की है उस मिट्टी को हटाइए। उस मिट्टी में अपने यहाँ का जो लोकल मिट्टी है, जो रेतीली टाइप की मतलब मिट्टी है, जिसमें आप रेत मिलाइए, कंपोस्ट मिलाइए, और वहाँ पे वो मिट्टी डालिए। जैसे ही मतलब आप इसका है ना, कम से कम थोड़ी गहरी गुड़ाई में कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है गहरी गुड़ाई करें, जब इसके रूट्स नजर आने लगे, हल्के रूट्स नजर आ जाए, तो तब उसकी मिट्टी की गुड़ाई को बंद करके उसमें आप अलग से मिट्टी ऐड करें, फिर ये प्लांट आपका बढ़िया चलता है। मैंने सेम इसे ऐसे ही किया था। क्रूटॉन मैंने भी पहले बहुत बार लाया, और बहुत बार लाने के बाद मेरे एक दो बार ये डेड हुआ। उसके बाद से मेरे पास अभी कम से कम 6 वैरायटी के क्रूटॉन पड़े हुए हैं, और सारे के सारे शानदार ग्रोथ करते हैं। और तरीका यही है, मैं ऊपर की मिट्टी में अपने यहाँ की लोकल मिट्टी डालता हूँ, रेत मिलाता हूँ, कॉम्पोस्ट मिलाता हूँ, और उसके बाद देखिए हर टिप्स पे मेरे ये फुटाव है, कितना शानदार, ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ मेरा प्लांट कितना बढ़िया है, जो देखिए इसमें नए फुटाव, नई पत्तियां और कलर। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि ग्रीन होता है या पत्ते जल जाते हैं, लेकिन ये मेरा प्लांट देखिए कितना स्वस्थ है और कितना बढ़िया चलता है। इसमें कोई और दूसरे कोई इंसेक्ट भी इतने ज़्यादा इसे परेशान नहीं करते, इस प्लांट को, काफ़ी हार्डी प्लांट है। लेकिन आपको जो मैंने बताया यही है, और देखिए इसमें नए फुटाव का उपाय है, आप मिट्टी को हमेशा गुड़ाई करके, और जब पूरा सूख जाए फिर DAP के कुछ दाने आप पानी में घोलिए, और उसके बाद इसमें डालिए, ऐसे कंडीशन में डालिए जब इसके पत्ते हैं लटकने से लग जाए, ऐसा लगे कि पानी के बगैर ये प्लांट सूख जाएगा, तो जैसे पत्ते आपको लटके हुए दिखे उसी समय उस घोल को उसमें डालिए, शानदार फुटाव आता है। अभी ये फरवरी मार्च अप्रैल तक ये इसमें नए नए फुटाव आएंगे। अप्रैल के बाद थोड़ा सा गर्मी में ये इसके जो प्लांट का जो कंडीशन है थोड़ा सा डाउन जैसा दिखने लगता है, लेकिन ये अभी जो 2-3 महीने हैं ये फुटाव का टाइम है, नए नए पत्ते आने का टाइम है, और गजब का प्रगति करता है। 8 इंच के प्लांट गमले में देखिए ये कितने सारे ब्रांचे हैं और कितना बूसी मेरा ये प्लांट है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और पानी जो है, पानी इसमें हल्का ऊपर का जो मतलब परत है सूख जाए उसके बाद ही डालें, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि हमने ऊपर से मिट्टी अलग से रेतीला बना रखा है, तो नीचे तक पानी पूरा गहरा जाता है। इसमें क्या होता है कि साइड से जो भी होता है ना, अपने लाल मिट्टी गमले को छोड़ देता है, हम पानी डालते हैं वो साइड से निकल जाता है, लेकिन अंदर का मिट्टी गीला नहीं हो पाता है। अगर आपका बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने लाल मिट्टी को नहीं हटाया, या अभी हटाने जैसा सीजन नहीं है, टाइम नहीं है, आपको ऐसा कभी लगे कि आप गर्मियों में खरीद के लेके आ गए हैं, तो उस समय आपको क्या करना है कि हर 2-3 दिन में इस प्लांट के मतलब जो ये गमला है इसे उठाइए और एक बाल्टी में पानी भरिए, और 2 मिनट के लिए सिर्फ उसमें रख दीजिए, उसमें पानी भरे हुए टब में, बाल्टी में, जिसमें भी आपने पानी भर रखा है उसमें 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहिए। जैसे बरसात का मौसम है उस समय आप इसमें चाहे मर्जी है जैसे छेड़छाड़ कीजिए इस प्लांट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उस समय इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से लग जाता है। मैंने कटिंग से, बीच में एक प्लांट मैंने आपको अलग दिखाया था, वो मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, एक
एकदम मतलब देख ले आपकी, हमारे हाथ की जो छोटी उंगली है उससे भी पतला उसमें वो था, और उसके बाद भी वो लग गया और शानदार। आज मेरे पास काफ़ी भूसी हो गया है, मैंने उसे भी 8 इंच के गमले में ही लगा रखा है। तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका बढ़िया चलेगा। मिट्टी के ये साइड में ये देखिए मैंने ये DAP के दाने डाल रखे हैं, अगर आप मतलब दाने से डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये DAP के दाने मैं तभी डालता हूँ जब अपने को ऐसे ऊपर डाल दिया हूँ पानी डाल के साथ, जब भी पानी डालता हूँ तो उसके साथ ये हल्का हल्का डिजोल्व होके पानी में, और ये अपने प्लांट को ये फर्टिलाइज करते रहता है। और जो मैंने आपको नए फुटाव का तरीका बताया वो आपको उसी तरीके से करेंगे तो आपके इस प्लांट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आएगा। तो आप ये मेथड ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए काफ़ी बढ़िया ये टिप्स होगा। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका भी ये प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा, और ये मेरा 2-4 प्लांट मारने के बाद का ये एक्सपीरियंस है और काफ़ी बढ़िया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। थैंक यू।